सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। उत्तरी स्पेन में बुधवार को एक घर में पटाखों में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 27 लोग घायल हो गए। गालिसिया क्षेत्र के वाइस प्रेसिडेंट अल्फोंसो रोएडा ने पत्रकार को बताया कि पुलिस का बम विरोधक दस्ता ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि अतिरिक्त विस्फोट से किसी तरह का खतरा नहीं हो, ताकि राहत और बचाव कार्य को सही तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा, फिलहाल हम एक से अधिक लोगों की मरने की पुष्टि नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि मरने वालों की संख्या एक से अधिक है या नहीं। विस्फोट स्थल के 1 किलोमीटर के दायरे के भीतर कई दर्जन घर नष्ट हो गए हैं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।